जो मुख्यमंत्री देव कमलनाथ जी उनका सपना था कि प्रदेश के अंदर छिंदवाड़ा मॉडल हर जिले में हो, पूरे प्रदेश में हो। भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों, धन बल से हमारे नेता नहीं अब तो गद्दार हो गए हैं सिंधिया। सरकार अपने पगले के लिए सरकार चली गई। जब मैंने बात करी सिंधिया जी से कि आप क्या चाहते हो, बोले मैं चुनाव हार गया हूं, लोकसभा का और मेरी 27 नंबर की कोटी में से छीन ली जाएगी, अब मैं कहां रहूंगा। इतने बड़े महाराज आदमी, क्या आप एक कोटी के कारण आपने कांग्रेस पार्टी को धोखा दे दिया? झांसी के लोग भी ग्वालियर के महाराज को आज भी गद्दार कहते हैं। तो साथियों, ये धन बल की ब्यो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चल रही है। मैं मानता हूं कई लोगों खरीदा जा रहा, दबाव बनाया जा रहा। जब सरकार जा रही थी मुझे भी खरीदने की कोशिश की गई, मुझे भी मंत्री पद का ऑफर आया, मुझे भी 50 करोड़ का ऑफर आया, लेकिन सच्चा आदिवासी था और मैंने कांग्रेस को नहीं छोड़ा, कांग्रेस के साथ। और इस क्षेत्र के मैं छिंदवाड़ा के आदिवासियों को कहना चाहता हूं लोकसभा के, कि आपने जिस प्रकार से नकुलनाथ कमलनाथ जी की आन और बान बनाए रखी, मैं आपको प्रणाम करता हूं और यहां के वोटर, यहां की जनता को प्रणाम करता हूं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी जब आई सरकार में तो अभी हमारे मोहन यादव जी मुख्यमंत्री है, जो उज्जैन में माना जाता है कि हर जमीन पे उनका निशान रहता है, इशारा रहता है कि जमीन मेरी है। अभी उज्जैन के बाद वो इंदौर में आ रहे हैं और धीरे से छिंदवाड़ा में आएंगे, यहाँ की जमीनों पे निगाह रखने। अब आप समझ गए निगाह का मतलब क्या। लेकिन आपको अगर आप चाहते हैं कि आपकी जमीनें बचे, अभी हमारे सुनील भाई ने कहा आदिवासियों की जमीनें कन्वर्ट की जा रही है, तो आपको कांग्रेस को वापस जिताना होगा, नकुलनाथ के हाथ मजबूत करना पड़ेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। और आपकी जमीनों की गारंटी हम सब विधायक छाछड़ विधायक लेते हैं कि अगर आप पे कोई आज आएगी, सब विधायक नकुलनाथ जी कमलनाथ जी के साथ आपके छिंदवाड़ा में आने के लिए तैयार रहेंगे, ये मैं आपको विश्वास दे। साथियों, समय कम है लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि आपकी लड़ाई के लिए विधानसभा में सभी विधायक मिलकर लड़ रहे हैं और सरकार को एहसास कराया दो सत्र में कि छाछठ विधायक आपके 160 से ज्यादा मजबूत है, ये मुख्यमंत्री ने खुद कही है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप नकुलनाथ जी को जिताए, कांग्रेस को मजबूत करें, राहुल गांधी को मजबूत करें, हम आपके साथ खड़े हैं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।